हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग बाय सुधा में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी चटपटी आलू कतली की रेसिपी। आलू कतली जो है बनाने में आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने छोटे साइज़ की 7 आलू ली है, वेट में 350 ग्राम के लमसम है। तो आलू को पहले हम छील लेंगे। सारी आलू छीलने के बाद आलू को हमें एक बार धो लेना है। धोने के बाद जो है हम इसके स्लाइस बनाएंगे। तो मीडियम साइज़ के स्लाइस हमें कट करने हैं। तो कतली बनाने के लिए आप बहुत बड़ी आलू मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो स्लाइस हैं बड़े होंगे तो पकाते समय टूट जाएंगे, तो इसलिए छोटी आलू लीजिएगा। ये देखिए मैंने मीडियम साइज़ की यहाँ कतलियाँ काट कर तैयार कर ली। इसके बाद इन्हें हम अच्छे से धो लेंगे। धोने से क्या होगा, इसका स्टार्च जो है वो निकल जाएगा, तो पकाते समय ये आपस में चिपकेंगे नहीं। दूसरी बात, आप इन्हें कॉटन के कपड़े में रख दीजिएगा 2 मिनट के लिए पंखे के नीचे। इससे क्या है, थोड़ी सी ड्राई हो जाएंगी तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इधर कढ़ाई मैंने रख दी, हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई जो है यहाँ चौड़े बॉटम की लीजिएगा। इसमें क्या है, अच्छे से कतलियाँ फ्राई हो जाएंगी। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 2 सूखी लाल मिर्च को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि फ्राई की हुई लाल मिर्च का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये मिर्च हमारी फ्राई हो गई, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। इसी ऑयल में हम डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 2 पिंच हम हींग डाल लेंगे। अब हम ये आलू कतली इसी में डाल लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम या हाई रखेंगे। आलू कतली को जो है हमें यहाँ गोल्डन होने तक फ्राई करना है। साथ में 1 छोटा चम्मच हम नमक डाल देंगे, जिससे आलू कतली जो है बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो फ्लेम को हम मीडियम या हाई रखेंगे, इन्हें फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट में आलू कतली जो है बढ़िया गोल्डन कलर की हो गई है। चलिए अब हम इसमें मसाले डालते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ बहुत ही थोड़ी सी, यानी 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 2 पिंच के लमसम में इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। 2 पिंच के लमसम इसमें गर्म मसाला डालेंगे। एक बार लंबाई में कटी हुई 2 हरी मिर्च डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च जो फ्राई की हुई होती है ना बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसके बाद ये जो मिर्च फ्राई की थी उसे हम क्रश करके डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला स्टेप आप इसके मत कीजिएगा, क्योंकि इसे कतली का टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। लो फ्लेम पर हम इसे 4 से 5 मिनट और पकाएंगे। आप चाहे तो इसे खुला पका सकते हैं या कवर करके। तो फ्रेंड्स, मैं खुला पका रही हूँ। इसके बाद 1 चम्मच जो है इसमें कुटा हुआ मसाला डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें साबुत धनिया, जीरा, सौंफ और सूखी लाल मिर्च है, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद दरदरा कूट लिया था। इसके डालने से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके बाद 1/2 नींबू का रस में डालेंगे। इसकी जगह आप चाहें तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन नींबू का रस डालने से एक अलग ही टेस्ट आता है। इसके बाद थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे। इसके बाद जो है इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये आलू कतली जो है हमारी बनकर तैयार होगी, बहुत ही टेस्टी बनी है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। 10 मिनट में ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप पूरी पराठे या किसी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।